इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप किसी भी Redmi मोबाइल फ़ोन को बिना बैक बटन या होम बटन या टास्क बटन, मतलब बिना ये नेविगेशन बटन के आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है Redmi मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और यहाँ पर आपको आना होगा नीचे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर देना है क्लिक कर। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बटन सेलेक्ट होगा, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फुल स्क्रीन गेस्चर का, आप इसको देंगे सेलेक्ट कर, और आप यहाँ लर्न पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही उसको सेलेक्ट कर देंगे बैक पर क्लिक कर देना है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये तीनों बटन हट जाएगा, ना तो बैक बटन रहेगा, ना होम बटन, ना टास्क बटन। अब देखिए आप बिना ये तीनों बटन के मोबाइल को यूज कैसे करेंगे। तो अगर आपको मोबाइल को बैक करना है तो आपको क्या करना है कि फ़ोन के साइड से आपको फिंगर को टच करते हुए लाना है बीच में। जैसे देखिए मैं यहाँ जो टच करते हुए लाता हूँ बीच में, तो आपने देखा बैक हो गया। इसी तरीके से अगर आप इस साइड से भी फिंगर को टच करते हुए लाएंगे बीच में, देखिए मैं यहाँ पर लाता हूँ बीच में, तो आपने देखा फिर बैक हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है मोबाइल को बैक कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन पर जाना है, तब आपको जो है फिंगर को यहाँ देखिए स्क्रीन पर टच करते हुए ले जाना है ऊपर की ओर। जैसे देखिए मैं यहाँ पर नीचे से फिंगर को टच करता हूँ और ले जाता हूँ ऊपर की ओर, तो आपने देखा यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है होम स्क्रीन पर आ गया। इस तरीके से आप जो है रेडमी के किसी भी मोबाइल फ़ोन को बिना बैक बटन के यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।